हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट किचन हिंदी में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिली पोटैटो की रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे 3 आलू लिए हैं और आलू को हमें छील लेना है। तीनों आलू को हमने छील लिया है, फिंगर की साइज में हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से हमें कट कर लेना है सभी आलू को। और हमने सभी आलू को कट कर लिया है। आलू को हमें 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि सारा स्टार्च निकल जाए। तो आलू को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और आलू की कोटिंग कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे और मिला देंगे। ऑयल को हमने गरम करने के लिए रख दिया है और हाई फ्लेम पे हमें ऑयल को गरम कर लेना है। और आलू को हमने ऐड कर दिया है। अब हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो आलू हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम निकाल लेंगे। तो हमने कढ़ाई ली है और कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल लिया है और ऑयल को हमें अच्छे से गरम कर लेना है। थोड़े से हमने लहसुन को कट करके डाल दिया है और थोड़े से अदरक को भी कट करके हमने डाल दिया है। अब हमें हाई फ्लेम पे लहसुन और अदरक को फ्राई कर लेना है। मीडियम साइज का प्याज हमने स्लाइस में कट करके ऐड किया है और 1 शिमला मिर्च को भी हमने स्लाइस में कट करके ऐड कर दिया है। और हमें हाई फ्लेम पे प्याज और शिमला मिर्च को थोड़ा पकाना है, हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा क्रंच रहना चाहिए। अब हम इसमें सॉस ऐड करेंगे। तो 1 चम्मच हमने रेड चिली सॉस लिया है और 1 चम्मच हमने ग्रीन चिली सॉस लिया है और 1 चम्मच हमने डार्क सोया सॉस लिया है और 1 चम्मच विनेगर ऐड किया है और 1/4 चम्मच हमने टोमेटो केचप ऐड किया है। मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हमने काली मिर्च का पाउडर लिया है, ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा हमने यहाँ पे नमक ऐड किया है। नमक को हमें थोड़ा कम ही ऐड करना है, डार्क सोया सॉस में भी नमक होता है। अब हम आलू को ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पे फूड कलर भी ऐड कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी पोटैटो चिली हमारा रेडी हो गया है। बहुत ही जल्दी बनके तैयार होता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।